हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। आज के लेक्चर में हम रेक्टिफिकेशन की 9.2 एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। इसके हम 4 एग्जांपल लास्ट वीडियो में कर चुके हैं सॉल्व, और आज हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 5 से। टॉपिक क्या चल रहा है हमारा, हमें आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है कर्व की इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ओके, यहाँ पर जो कर्व है आपको दे रखा है पैरामेट्रिक फॉर्म में, और हमें इस कर्व की आर्क लेंथ निकालनी है। प्रूव दैट द लूप ऑफ द कर्व इज ऑफ द लेंथ 4√3। यानी आपको प्रूव करना है कि इस लूप की जो लेंथ आएगी वो आएगी 4√3। तो अभी हमें कैसे पता चलेगा कि ये लूप किस टाइप से बन रहा है, तो इसके लिए आपको ट्रेस करना पड़ेगा। ओके, सो हम इसको ट्रेस करते हैं। सो फर्स्ट हम सिमेट्री चेक करते हैं, और सिमेट्री कैसे चेक करते हैं, टी को अगर आप माइनस टी में चेंज करते हो तो आप एक्स को देखिए, एक्स जो है इफ टी को माइनस टी में चेंज करें देन x इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर, और ये आ जाएगा वापस टी स्क्वायर। यानी कि x जो है उसकी वैल्यू वही आती है, बट y माइनस टी माइनस 1/3 माइनस टी क्यूब। सो माइनस कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ से माइनस आएगा, ये प्लस हो जाएगा, फिर मैं माइनस कॉमन लेती हूँ, सो t माइनस 1/3 टी क्यूब। ठीक है, y की वैल्यू जो हो माइनस y में चेंज जाती है, y चेंज इनटू माइनस y, बट x हमारा सेम रहता है। इसका क्या मतलब हुआ, x इवन फंक्शन है, x इज एन इवन फंक्शन। इवन फंक्शन ऐसे ही देखते हैं ना कि f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू f ऑफ x आ जाता है, तो उसको हम इवन फंक्शन बोलते हैं। और f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आता है, उसका मोड फंक्शन बोलते हैं। अब वाई हमारा टी का फंक्शन है, वाई ऑफ माइनस टी हमने फाइंड आउट किया और हमारे पास माइनस वाई ऑफ टी आ गया। इसका मतलब वाई कैसा है, ऑड फंक्शन। देन वाई इज एन ऑड फंक्शन। ठीक है, तो कर्व हमारा किसके सिमेट्रिक होता है, इवन फंक्शन के सिमेट्रिक होता है। सो यहाँ पर जो कर्व आएगा, कर्व सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सेस। सेकेंड हम चेक करते हैं क्या कर ओरिजिन से पास करता है। सो आप टी को जीरो पुट कीजिए, हम पैरामेट्रिक फॉर्म में इसको ट्रेस कर रहे हैं, तो ये रूल वही अप्लाई करेंगे जो पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए होते हैं ना। टी को अगर मैं जीरो पुट करती हूँ, एक्स की वैल्यू भी जीरो आती है और वाई भी मेरा जीरो आता है। और एक्स और वाई जीरो कहाँ होते हैं, ओरिजिन पे होते हैं। इसका मतलब जो कर्व है, इक्वेशन ही फर्स्ट ले लेते हैं, therefore curve meets at origin, I mean origin से पास करता है, अभी बोल सकते हो curve passes through origin। okay, third हम निकालते हैं point of intersection। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे कर्व कहाँ पे टच कर रहा है, किस पॉइंट पे टच कर रहा है। सो अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करती हूँ, एट एक्स एक्सिस वैल्यू ऑफ वाई इज ज़ीरो। ओके, वाई की वैल्यू पुट कीजिए, ज़ीरो, टी माइनस 1/3 टी क्यूब इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से मैं टी कॉमन लेती हूँ, 1 - t² / 3 इज इक्वल टू ज़ीरो। आइदर टी इज इक्वल टू ज़ीरो और टी स्क्वायर बाय थ्री इज इक्वल टू 1, एंड टी इज इक्वल टू डायरेक्टली लिख रही हूँ मैं +√3। 3 जो जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और t की मेरे पास ये वैल्यूज आ जाती है। कब, जब मैंने x एक्सिस पे y को 0 लिया है। अगर t 0 है, x की वैल्यू निकालिए इन्हीं वैल्यू पे। देखिए ये वैल्यू हमने कब निकाली, जब मैंने y को 0 पुट किया है। ठीक है, तो t की इन इस वैल्यू पे x क्या वैल्यू दे रहा है, वहाँ पे हमें पता चलेगा कि x एक्सिस को ये कहाँ पे मीट करता है। ठीक है, एट t इक्वल टू ज़ीरो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, है ना, एंड एट t इज इक्वल टू +√3 एक्स इज इक्वल टू, आप चाहे +√3 रखिए या फिर -√3 रखिए, वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। क्यों, क्योंकि क्या है यहाँ पे, t स्क्वायर, जैसे आप स्क्वायर करते हो x इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स एट x एक्सिस कर मीट्स एट पॉइंट 0, 0, क्योंकि x 0 y 0,
एंड एक्स की वैल्यू एक आई है 3 और वाई 0। इन पॉइंट्स पे कर्व मीट करेगा एक्स एक्सिस को। अब बात आती है वाई एक्सिस की। एट वाई एक्सिस एक्स की वैल्यू 0 होती है। वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 मीन्स टी स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या है? टी स्क्वायर। इम्प्लाइज दैट टी इज इक्वल टू 0। टी इक्वल टू 0 पुट करते हो वाई की वैल्यू भी 0 आती है। इसका मतलब वाई एक्सिस को कर्व केवल ओरिजिन पे मीट करता है, इसके अलावा किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं करता। ओके, देयरफॉर कर्व मीट्स वाई एक्सिस ओनली एट ओरिजिन, दैट इज 0, 0 पॉइंट पे। ओके, फोर्थ हम देखते हैं क्या एसिम्प्टोट एग्जिस्ट कर रहा है कर्व के लिए। अगर मैं यहाँ पे टी को इन्फिनिटी रख लेती हूँ, टी को रखने का मतलब टी अगर इन्फिनिटी टेंड कर रहा है सो एक्स की वैल्यू भी क्या आएगी? इन्फिनिटी आएगी। बट टी की इन्फिनिटी वैल्यू पे अगर मैं यहाँ पे ये लेती हूँ टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक्स अगर मेरा इन्फाइनाइट आ जाता है तो अगर मैं टी टेंड्स टू इन्फिनिटी इन वाई में लेती हूँ देन वाई मेरे पास क्या आना चाहिए? फाइनाइट आना चाहिए। ये कंडीशन होती है एसिम्प्टोट एग्जिस्ट करने की। ओके, अगर मैंने टी को इन्फिनिटी लिया, आप यहाँ पे देख सकते हो एक्स टेंस टू ऑल्सो इन्फिनिटी एंड वाई, वाई भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा, वाई की फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही है इस पे, सो यहाँ पे कोई एसिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर मैं टी टेंस टू इन्फिनिटी लेके वाई की वैल्यू निकालती हूँ, वाई भी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है सो एक्स भी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, दोनों की इन्फिनिट वैल्यू आ रही है तो कोई भी एसिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, एक्स अगर इन्फिनिटी जा रहा है वाई फाइनाइट आना चाहिए, वाई फाइनाइट है तो एक्स फाइनाइट, सॉरी वाई इन्फाइनाइट आता है तो एक्स हमारा फाइनाइट आना चाहिए, तब एसिम्प्टोट एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे कर्व हैज नो एसिम्प्टोट। ओके, फिफ्थ पॉइंट हम देखते हैं जहाँ पे हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं डी वाई बाय डी आई। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे डी वाई बाय डी टी इज इक्वल टू 1 माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा टी स्क्वायर एंड डी एक्स बाय डी टी इज 2t। सो अगर मैं यहाँ से dy वाई बाई डी एक्स निकालती हूँ, dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी, मीन्स dy वाई बाई डी टी है 1 माइनस टी स्क्वायर और डिवाइड बाई 2t। dy वाई बाई डी एक्स की हमें क्या हेल्प मिलती है? हम यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, यानी जिस पॉइंट पे कर्व हमारा मूव कर रहा है, मींस डी वाई बाई डी एक्स को आप 0 पुट करके टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को टेंस टू इन्फिनिटी यानी कि ये इन्फिनिटी कब आएगा तो हम वहाँ से टेंजेंट निकाल सकते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस। टेंजेंट निकालने का हमें ये बेनिफिट होता है कि हमें पता चलता है कर्व हमारा मूव किस तरह से कर रहा है, क्योंकि जो भी लाइन टेंजेंट होती है उसको कर्व मीट करके निकलता है ना। अभी तक जितनी कैलकुलेशन हमने की है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे पहले सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ओरिजिन को जो हम मीट कर रहा है यानी कि ओरिजिन से पास कर रहा है हमारा कर्व। ओके, हमें पहले ही बोला गया है कि लूप बन रहा है। लूप का मतलब आप समझ गए होंगे, या तो ये बनेगा या फिर इसकी जो ब्रांचेस है इस टाइप से बनेगा। ओके, तो अब ये शेप बन रही है, ये शेप बन रही है, ये चीज हमें यहां पर पता करनी है। ऑलराइट, एक्स एक्सिस को 0 पॉइंट पे और 3 पॉइंट पे 1, 2, 3 इन पॉइंट्स पे मीट कर रहा है कर्व एट 0, 0 एंड दिस। वाई एक्सिस को कहीं से भी मीट नहीं कर रहा, सिर्फ ओरिजन पे मीट कर रहा है। ऑलराइट, अब ओरिजन पे तो इस शेप में भी कर सकता है कि कर्व हमारा इस तरह से निकल जाए। अगर वाई एक्सिस टेंजेंट बनती है तो ये हमारा कर्व बनेगा, लूप ये बनेगा, और अगर ये वाई एक्सिस टेंजेंट नहीं बन रही है यानी कि ये हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे? नोड बन रहा है। नोड बनता है तो हमारा ये वाला बनेगा। सो ओरिजिन नोड बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से निकाल लेते हैं वैल्यू। आप यहाँ पे पुट कीजिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0।
टी की किस वैल्यू पे हमें जो है वो डेरिवेटिव जीरो, यहाँ से अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स को जीरो लेती हूँ, मीन्स मैं यहाँ पे टेंजेंट निकाल रही हूँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब वो किस पॉइंट पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस जाएगा वो अभी हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे ही मैंने डी वाई बाई डी एक्स को जीरो पुट किया, वन माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, मीन्स टी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन आ जाता है। ओके, टी की यही दोनों वैल्यूज आप एक्स और वाई में पुट करेंगे, पुट टी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैं फर्स्ट में पुट करती हूँ ये वैल्यू, पुट इन फर्स्ट, सो एक्स मुझे क्या वैल्यू दे रहा है, टी इक्वल टू वन पे मेरी एक्स की वन वैल्यू आ रही है, वाई की क्या आ रही है, मुझे वन पुट करना है यहाँ से, वन माइनस वन बाय थ्री, वन माइनस वन बाय थ्री इज टू बाय थ्री। ओके, और अगर मैं टी को लेती हूँ, ये आती है टी इक्वल टू वन पे, एट टी इक्वल टू माइनस वन पे एक्स की क्या वैल्यू आएगी, वन ही आएगी, और वाई की वैल्यू यहाँ पे मैंने माइनस वन लिया, वाई इज इक्वल टू माइनस वन माइनस ऑफ माइनस वन बाय थ्री यानी कि प्लस वन बाय थ्री। ऑलराइट, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या जा रही है, माइनस टू बाय थ्री, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू बाय थ्री। ओके, यहाँ से वन टू थ्री, इसी तरह से हम यहाँ पे पॉइंट लेंगे वन टू थ्री। अभी मुझे जो टेंजेंट मिला है x इक्वल टू वन और y इक्वल टू टू बाय थ्री, मीन्स x इक्वल टू वन कहाँ पे है, ये वाला पॉइंट, और y इज इक्वल टू टू बाय थ्री, इसको आप पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिए, 0.6 कुछ, ये 0.5 और कुछ ये पॉइंट आएगा यहाँ पे 0.6 का, क्लियर। तो ये जो इस पॉइंट से जो लाइन पास करेगी, ये मुझे टेंजेंट मिल रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, समझ में आ? ये पॉइंट थोड़ा सा आप बड़े ले सकते हो तो थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, मीन्स जो वन टू थ्री पॉइंट लिए हैं इनका गैप थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिए, वन टू एंड थ्री यहाँ पे ले लेते हैं दिस पॉइंट्स, और ये पॉइंट भी क्या जाएंगे यहाँ पे सेम डिस्टेंस से लेते हैं। ओके, वन टू एंड थ्री, दिस इज वन टू एंड थ्री स्टाइल से ले लेते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि एक्स इक्वल टू वन वाई इक्वल टू टू बाय थ्री पॉइंट कहाँ पे बनेगा, कुछ यहाँ पे पॉइंट बन रहा है, तो ये जो लाइन जा रही है यहाँ से इस पॉइंट से पास करते हुए, दिस इज द टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दूसरा पॉइंट क्या आया है, एक्स इक्वल टू वन वाई इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री, माइनस टू बाई थ्री किधर बनेगा, ये हमारा माइनस है। ओके, यानी माइनस जीरो पॉइंट यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये लाइन जो ये जाएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट हमने निकाल लिया। ओके, इसके बाद हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी लेके चलती हूँ, ये मैं किस लिए लेती हूँ, मैं यहाँ पे टेंजेंट निकाल रही हूँ पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, डी वाई बाई डी एक्स को हमने इन्फिनिटी पुट किया, मीन्स यहाँ से वन माइनस टी स्क्वायर बाय टू टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इसको आप लिख सकते हो वन बाय ज़ीरो। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, टू टी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड टी इक्वल टू ज़ीरो, टी इक्वल टू ज़ीरो वैल्यू पुट कीजिए एक्स एंड वाई में, एट टी इक्वल टू ज़ीरो एक्स भी ज़ीरो आ रहा है और वाई भी ज़ीरो आ रहा है। ओके, इसका मतलब एट जीरो जीरो पॉइंट पे मुझे टेंजेंट मिल रहा है पैरेलल टू वाई एक्सिस, और जीरो जीरो पॉइंट क्या है, दिस इज यानी कि वाई एक्सिस इज अ टेंजेंट फॉर दिस कर्व। ओके, अगर टेंजेंट बन रहा है फॉर दिस कर्व, इसका मतलब ये इसको मीट करता हुआ, और किस पॉइंट पे मीट करेगा, यहाँ पे हमने अभी निकाला ना कि किस पॉइंट पे मीट कर रहा है, वन और टू बाय, इस यहाँ तक, यहाँ पे जाके ये वापस मूव करना स्टार्ट कर देगा, ये इसको यहाँ पे इस पॉइंट पे टच करेगा इस तरह से। ऑलराइट, इसके बाद हमें निकालना है कि इस जो कर्व हमारा थ्री और ज़ीरो पे मीट कर रहा है एक्स एक्सिस को, यहाँ पे ये किस शेप में इसको मीट करता है। ओके, सो अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे एट थ्री ज़ीरो पॉइंट पे। थ्री ज़ीरो पॉइंट हमें कब मिला था, जब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर मैं दोनों कंडीशन लेती हूँ तो मुझे यहाँ से टी की वैल्यू मिली थी टी इक्वल टू प्लस माइनस रूट थ्री, जो हमने ये कंडीशन फाइंड आउट की थी।
ओके, तभी हमने ये पॉइंट जो फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पे अगर ये आपके पास है इफ़ एक्स इक्वल टू थ्री वाई इक्वल टू जीरो, देन टी क्या आ रहा है प्लस माइनस रूट थ्री, तो आप टी इज इक्वल टू दिस, इस वैल्यू पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। दैट मीन्स मुझे यहाँ से टेंजेंट मिल जाएगा एट थ्री जीरो पॉइंट पे। इसका क्या मतलब होता है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एट पॉइंट निकाल रही हूँ मैं टी इक्वल टू प्लस माइनस रूट थ्री, एट टी इक्वल टू प्लस माइनस रूट थ्री, ठीक है। यानी इसमें अगर मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ, सो वन प्लस माइनस रूट थ्री, जो वन माइनस थ्री डिवाइड बाय प्लस माइनस टू रूट थ्री, ओके। यहाँ से आएगा माइनस टू डिवाइड बाय प्लस माइनस टू रूट थ्री, कैंसिल आउट, दिस इज प्लस माइनस वन बाय रूट थ्री, ओके। इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आती है, और ये क्या होता है इज इक्वल टू टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू दिस, यानी 30 एंगल पे अगर यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करती हूँ 30 एंगल पे, सो मुझे यहाँ से दो टेंजेंट जो 30 डिग्री के एंगल बना रहे हैं, 30 डिग्री एंगल यहाँ पे, ओके। तो टी इक्वल टू प्लस माइनस रूट थ्री दो वैल्यूज आ रही है यहाँ पे, सो मेरे पास ये आएगा इस तरह से टेंजेंट। तो इसकी एक ब्रांच जो है इसको टच करती हुई निकल जाएगी और एक ब्रांच ऐसे निकल जाएगी, तो ये आपके पास बन रहा है लूप, ओके। अब मेन जो काम रहता है हमें इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, यानी कि यहाँ से लेंथ आप यहाँ तक फाइंड आउट करेंगे। हमें ये पता है कि सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। एक चीज़ और, क्या ये कर्व एक्स एक्सिस के जो है नेगेटिव साइड भी बनेगा या नहीं बनेगा, ये चीज़ हमें कैसे पता चलती है, टी की किस वैल्यू पे एक्स हमारा इमेजिनरी आ रहा है। अगर मैं टी की वैल्यू, यहाँ पे टी कितना है, टी ज़ीरो, ओके। अगर मैं टी को लेती हूँ लेस देन जीरो, सो एक्स गिव्स इमेजिनरी वैल्यूज, ओके। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो कार है हमारा वो वाई एक्सिस के राइट में ही बनेगा, लेफ्ट में नहीं बनेगा। अब हमें इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, सो पैरामेट्रिक फॉर्म, इन पैरामेट्रिक फॉर्म फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, इंटीग्रेशन टी वन टू टी टू, लिमिट हमारे टी में चलेंगी, अंडर रूट ऑफ डी एक्स बाय डी थीटा स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी थीटा स्क्वायर इंटू डी थीटा, ओके। अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ लूप इज इक्वल टू टी की वैल्यू, देखिए यहाँ पे टू टाइम कर सकते हैं क्योंकि सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, सेम पोर्शन हमारा एक्स एक्सिस के बिलो बन रहा है, सेम अबव बन रहा है, तो हम इसको टू टाइम लेके चलेंगे। ओरिजिन पे जो मीट कर रहा है यहाँ पे टी की वैल्यू है जीरो, और थ्री जीरो पॉइंट पे टी की वैल्यू कितनी थी, प्लस माइनस रूट थ्री, ओके। सो यहाँ पे हम लेके चलेंगे कि टी इज इक्वल टू टी वन की वैल्यू जीरो ओरिजिन पे, और थ्री जीरो पॉइंट पे रूट थ्री, रूट ऑफ डी एक्स बाय डी टी, क्योंकि मेरे पास फंक्शन है टी में, स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी टी, ये स्क्वायर इंटू डी टी, वैल्यूज पुट कीजिए, जीरो टू रूट थ्री, रूट ऑफ डी एक्स बाय डी टी इज अ टू टी स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी टी वन माइनस टी स्क्वायर द स्क्वायर डी टी। अब सिंप्लीफिकेशन करनी है और कुछ नहीं है ज़्यादा, जीरो टू रूट थ्री, रूट ऑफ फोर टी स्क्वायर, आप यहाँ पे आइडेंटिटी ओपन करेंगे, वन प्लस टी रेज टू पावर फोर माइनस टू टी स्क्वायर, ये आ जाएगा यहाँ पे प्लस टू टी स्क्वायर, यानी ये फॉर्मूला बनेगा वापस जाके वन प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी ये जो इंटीग्रेशन है चेंज हो जाएगा, टू इंटू जीरो टू रूट थ्री वन प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब यहाँ पे आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए और लिमिट अप्लाई कीजिए, देन दिस इज द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ दिस लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द साइक्लॉयड एक्स इक्वल टू थीटा माइनस साइन थीटा वाई इक्वल टू ए वन माइनस कॉस थीटा। इसका मैं डायरेक्ट जो ग्राफ है वो बहुत बार बता चुकी हूँ, फिर भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप चेक करेंगे सिमेट्री, किस किस की सिमेट्री बन रहा है, हेयर एक्स इज एन ऑड फंक्शन एंड वाई इज एन इवन फंक्शन, ठीक है। अगर एक्स ऑड फंक्शन है वाई इवन फंक्शन है, तो ग्राफ जो हमारा बनेगा, ग्राफ ऑफ कर्व सिमेट्रिकल अबाउट
वाई एक्सिस। ओके, इसका मतलब जितना भी ग्राफ वाई एक्सिस के राइट में है उतना ही वाई एक्सिस के लेफ्ट में आएगा। ओके, सेकंड हम चेक करते हैं क्या कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है। सेकंड पॉइंट, एट थीटा इक्वल टू जीरो एक्स गिव्स जीरो एंड वाई इज गिव्स आल्सो जीरो। आप यहाँ पे थीटा को जीरो पुट कीजिए, जीरो माइनस साइन जीरो इज जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो आएगी। कॉस जीरो वन होता है, वन माइनस वन इज जीरो। इसका मतलब जो कर्व है वो पास करेगा ओरिजिन से, कर्व पासिस थ्रू ओरिजिन। ऑलराइट, थर्ड पॉइंट हम चेक करते हैं कि इसको मीट कहाँ करेगा, एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को। इसके लिए आप एक टेबल बना लीजिए। सबसे पहले तो आप यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड बाय डी एक्स बाय डी थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं वैल्यू निकालती हूँ, डी वाई बाई डी थीटा इज वन माइनस साइन थीटा, माइनस पहले से ही है तो वन प्लस सॉरी वन का डेरिवेटिव जीरो, यहाँ से आ जाएगा ए साइन थीटा, और डी एक्स बाय डी थीटा वन माइनस कॉस ऑफ थीटा। ये वैल्यू आती है हमारे पास डी वाई बाय डी एक्स की। अब मैं थीटा की कुछ वैल्यूज पे जो है वो टेबल बनाते हैं। थीटा जीरो, पाई बाय टू, पाई, थ्री पाई बाय टू एंड टू पाई। ठीक है, कुछ वैल्यूज पे जो है वो इसकी टेबल ड्रॉ करते ताकि मुझे आइडिया आ जाए कि किस पॉइंट पे हमारा कर्व जो है वो ट्रेस करना है। सबसे पहले आप एक्स की पॉइंट निकाल लीजिए एट वैल्यूज ऑफ थीटा। एक्स अगर मैं जीरो लेती हूँ, सॉरी थीटा जीरो लेती हूँ तो एक्स की वैल्यू मेरे पास जीरो आती है। थीटा अगर मैं पाई बाय टू पुट कर रही हूँ, सो पाई बाय टू माइनस साइन पाई बाय टू। यहाँ पे जो एक्स की टर्म है स्टेटमेंट है इसमें इनटू ए भी है, ये ठीक कर लेना यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे भी ए आएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा वन माइनस कॉस थीटा, इसको आप और भी शॉर्ट बना सकते हो, टू साइन थीटा बाय टू इंटू कॉस थीटा बाय टू डिवाइड बाय टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। टू से टू कैंसिल, एक साइन से साइन की पावर, दिस इज कॉट थीटा बाय टू। आप ये वैल्यू लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स की। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं थीटा को पाई बाय टू पुट कर रही हूँ तो ए इंटू पाई बाय टू माइनस वन। थीटा को पाई रखा हमने, साइन पाई जीरो, दिस इज ए पाई। थ्री पाई बाय टू पुट करेंगे, साइन थ्री पाई बाय टू इज अ माइनस वन, ए इंटू पाई बाय टू प्लस वन हो जाएगा। और टू पाई पुट करते हैं, सो टू ए पाई, ये वैल्यू आ जाएगी एक्स की। अब मुझे वाई की वैल्यू चाहिए। एट थीटा इक्वल टू जीरो वाई निकालिए, कॉस जीरो वन, वाई जीरो। थीटा इक्वल टू पाई बाय टू पुट करते हैं, कॉस पाई बाय टू इज जीरो, ए रह जाएगा। पाई पुट करेंगे, कॉस पाई इज माइनस वन। ओके, माइनस और माइनस प्लस, दिस इज टू पाई, सॉरी टू ए, टू पाई नहीं टू ए। और थ्री पाई बाय टू पुट कर रहे हैं यहाँ से, कॉस थ्री पाई बाय टू इज ऑल्सो जीरो, दिस इज ए। एंड इसके बाद आता है टू पाई, कॉस टू पाई इज जो है वो वन होता है, और वन माइनस वन इज ज़ीरो। इसके बाद मुझे वैल्यू चाहिए डी वाई बाय डी एक्स की। इसका मतलब इन पॉइंट्स में मुझे टेंजेंट पता चल जाएगा कि किस किस पॉइंट पे कर्व जो है मूव कर रहा है ना। एट एक्स एक्सिस जो एक्स जीरो है, वाई जीरो है, किस पे, थीटा इक्वल टू जीरो पे। इस पे मैं वैल्यू निकालती हूँ डी वाई बाई डी एक्स की। सो कॉट, ये वैल्यू हमें डी वाई बाई डी एक्स की निकाल रखी है हमने, कॉट थीटा बाई टू, कॉट जीरो। यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे, कॉट जीरो इज इन्फिनिटी। ओके, इसके बाद हम वैल्यू निकालते हैं पाई बाय टू पे, कॉट पाई बाय टू। अब यहाँ पुट करेंगे, पाई बाय टू इज पाई बाय फोर, और वो होता है वन। फिर मैं पाई पुट करूँगी, कॉट पाई बाय टू, कॉट पाई बाय टू इज ज़ीरो। ओके, इसके बाद हम लेके चलेंगे थ्री पाई बाय टू, कॉट थ्री पाई बाय टू यानी कि थ्री पाई बाय फोर इज अ माइनस वन। सो इसके बाद मुझे टू पाई पुट करना है, कॉट टू पाई बाय टू इज अ पाई, टू से टू कैंसिल, ये आ जाएगा कॉट पाई, और कॉट पाई इज इन्फिनिटी। तो ये टेबल हमें मिल जाती है। अब आप इजीली यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। एक्स एक्सिस की जो वैल्यूज़ हैं वेरी कर रही हैं, ज़ीरो, यहाँ पे मैं पाई बाय टू ले लेती हूँ, दिस इज़ पाई।
ये हम थीटा की वैल्यूज ले रहे हैं, 3π/2 एंड दिस इज 2π, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू पाई, ये हमने थीटा इक्वल टू पाई बाय टू लिया है, यहाँ पे थीटा हमारा पाई है, और इस तरह से सारी थीटा की वैल्यूज है। वाई एक्सिस पे हमें लेना है ए टू ए, ठीक है। अब हम लेते हैं कि टेबल के अकॉर्डिंग देखिए, थीटा अगर जीरो है तो एक्स और वाई हमारा जीरो आ रहा है, और टेंजेंट इन्फिनिटी यानी कि डीवाई बाई डी एक्स इन्फिनिटी, इसका मतलब इस पॉइंट पे वाई एक्सिस टेंजेंट का काम करे, यानी कि इस तरह से हमारा कर्व जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ओरिजिन से तो मीट कर ही रहा था। इसके बाद पाई बाय टू पे अगर मैं पहुँचती हूँ तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आती है ए इंटू पाई बाय टू माइनस वन, ओके। तो यहाँ से वैल्यूज निकालिए, y इज इक्वल टू ए, यानी कि इस पॉइंट पे जाके ये पॉइंट आएगा हमारे पास a इंटू पाई बाय टू माइनस वन, माइनस वन यानी कि पाई बाय टू में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो कुछ यहाँ पे पॉइंट इस तरह से पॉइंट आएगा, ये अब मीट करेंगे, ठीक है। थीटा इक्वल टू पाई लिया हमने तो x की वैल्यू आ रही है a पाई, ठीक है, और y इज इक्वल टू टू ए, ये पॉइंट बनेगा हमारे पास ए पाई, यहाँ पे जो है एक्स जो वो ए पाई है और वाई टू ए है, इस तरह से फिर वापस वैल्यूज जो चेंज होना यहाँ पे पहुँचती जाएंगी, ये इस तरह से आपके पास साइक्लॉइड बनेगा। सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस हमने पढ़ा था, जैसा यहाँ पे बन रहा है उतना ही हमारे पास यहाँ पे भी बनेगा, ओके। तो हमें जो लेंथ फाइंड आउट करनी है आर्क ऑफ द साइक्लॉयड, तो यहाँ से आपको थीटा इक्वल टू जीरो से थीटा इक्वल टू टू पाई तक यहाँ पे लेंथ फाइंड आउट करनी है, क्योंकि सिमेट्रिकल अबाउट है वाई एक्सिस के, सो जितनी पोर्शन यहाँ पे बन रहा है उतना ही पोर्शन यहाँ पे बन रहा है। मुझे एक आर्क लेंथ चाहिए तो मैं इसकी लेंथ फाइंड आउट करूँगी, ये जो लाइन है दिस इज, इस पे जो पॉइंट हमारा आएगा ए पाई से टू ए, यहाँ पे एक्स कितना है ए पाई और वाई टू ए, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे जीरो और इस पॉइंट पे थीटा हमारा कितना है टू पाई, सो अगर मैं आर्क लेंथ निकालना चाहूँ, रिक्वायर्ड आर्क लेंथ थीटा की वैल्यू जीरो टू टू पाई, ऐसा कुछ नहीं कि आप इसका डबल करेंगे, डबल नहीं करना, डबल जब करोगे जब ओरिजिन के जो है हाफ पोर्शन इधर बनेगा और हाफ पोर्शन हमारा इधर बनेगा लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लेंगे जीरो टू टू पाई अंडर रूट ऑफ डी एक्स बाय डी थीटा स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी थीटा स्क्वायर इंटू डी थीटा, ओके। जीरो टू टू पाई वैल्यूज पुट करेंगे, डी एक्स बाय डी थीटा, डी एक्स बाय डी थीटा हमने यहाँ पे फाइंड आउट नहीं किया, आपको करना पड़ेगा, डी एक्स बाय डी थीटा आप डेरिवेटिव कर सकते हैं, ये जो वैल्यू लिखी थी हमने ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा स्क्वायर और प्लस डी वाई बाई डी थीटा इज ए साइन थीटा स्क्वायर, इसको आप सॉल्व कीजिए, इंटीग्रेशन करेंगे, ए स्क्वायर जो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, स्क्वायर ओपन करेंगे एंड कॉस का प्लस साइन स्क्वायर इज अ वन, और सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगी आपके पास रिक्वायर्ड आर्क लेंथ ऑफ दिस साइक्लॉइड। देखिए क्वेश्चन 7 दे रखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कंप्लीट साइक्लॉयड गिवन बाय दिस। कंप्लीट साइक्लॉयड अगर आपसे पूछा जाता है तो भी आपको यहाँ पे वन आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है, जैसे कि अभी हमने इससे पहले वाला एग्जांपल किया है, वहाँ पे एक्स की वैल्यूज क्या दे रखी थी, एक्स इज इक्वल टू ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, ओके, और वाई था ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा, सो इसका फिगर अभी हमने ड्रॉ किया है, इस तरह से हमने इसको ट्रेस किया था, ओके, क्योंकि ये सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है, सो इतना ही ये इधर बनेगा, बट हमें बोला गया था कि लेंथ ऑफ वन आर्क की फाइंड आउट कीजिए, सो हमने यहाँ से सिर्फ इसकी आर्क लेंथ फाइंड आउट की है ना। अगर यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि कंप्लीट साइक्लॉयड की लेंथ आप निकालिए, तो ये भी सेम चीज़ है, आपको इसका भी वन आर्क लेंथ, वन आर्क की ही लेंथ निकालनी है, क्योंकि जो साइक्लॉयड होता है वो इस तरह से चलता रहता है, इस तरह से मूव करता रहता है, सो ओके, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी वन आर्क हम काउंट करते हैं, तो यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखी है इसके अकॉर्डिंग साइक्लॉयड कैसे बनेगा। अब यहाँ पे देखिए एक्स जो है, यहाँ पे सबसे पहले सिमेट्रिक चेक कीजिए, थीटा को माइनस थीटा में चेंज करती हूँ तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आती है माइनस एक्स, थीटा यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, ओके, तो यहाँ पे एक्स इज ऑड फंक्शन एंड वाई इज इवन फंक्शन, सो कर्व
सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस. क्या कर ओरिजिन से पास कर रहा है तो हमें कैसे पता चलता है? थीटा को मैं यहाँ पे जीरो लेके चलती हूँ. एट थीटा इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? एक्स इज इक्वल टू जीरो और वाई इज ए. इसका मतलब कर्व ओरिजिन से पास नहीं करेगा. अगर वाई की वैल्यू भी जीरो आती इसका मतलब कर्व ओरिजिन से पास करता. दैट मीन्स यहाँ से कर्व जो है डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन. नेक्स्ट तो इसके बाद हम एसिम्प्टोट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट या फिर स्पेशल पॉइंट चेक करेंगे. ये सारी चीज़ें मैं आपको कर्व ट्रेसिंग के चैप्टर में बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ. आप वहाँ जाके जो वीडियो देख सकते हो और एक क्वेश्चन की ट्रेसिंग आप वहाँ से सीख सकते हो. मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट बता रही हूँ कि इसका आप आर्क लेंथ कैसे बनाएंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे. ये जो आपका कर्व है ये कुछ इस टाइप से बनेगा. ये वाई एक्सिस है, इस टाइप से आपका कर्व बनने वाला है. थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई एंड थीटा इज इक्वल टू पाई. हेयर दिस इज द ओरिजन एट जीरो जीरो. यहाँ पे थीटा हमारा जीरो आएगा, है ना. एंड एट दिस पॉइंट थीटा इज इक्वल टू जीरो. ओके, सो यहाँ पे अगर हम फाइंड आउट करें ये भी लेंथ कितनी बन रही है हमारे पास. दिस इज ऑल्सो जीरो टू पाई एंड दिस इज, क्योंकि ये ओरिजिन है, इतना ही पोर्शन हमारा वाई एक्सिस के राइट में है, इतना ही लेफ्ट में है. इससे पहले वाले क्वेश्चन में यही डिफरेंस था कि जो कंप्लीट आर्क लेंथ वन आर्क जो है वो बन रही थी वाई एक्सिस के राइट में. ओके, बट यहाँ पे जो कर्व है हमारा वो इसको ओरिजिन को तो मीट करता ही नहीं है. सो यहाँ से आप फाइंड आउट कीजिए रिक्वायर्ड आर्क लेंथ कैसे निकालेंगे. टू टाइम, क्योंकि इस पोर्शन की मैं निकाल लेती हूँ, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड की भी आ जाएगी. जीरो टू पाई रूट ऑफ डी एक्स बाय डी थीटा स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी थीटा स्क्वायर इंटू डी थीटा. ओके, यहाँ पे वैल्यूज रखिए. डी एक्स बाय डी थीटा इज अ टू टाइम जीरो टू पाई, क्योंकि थीटा यहाँ पे जीरो, यहाँ पे थीटा की वैल्यू पाई दे रखी है हमें, है ना. रूट ऑफ डी एक्स बाय डी थीटा, आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, ए इंटू वन प्लस कॉस थीटा स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी थीटा इज अ माइनस ए साइन थीटा स्क्वायर. सॉल्व करेंगे इसको, टू टाइम जीरो टू पाई रूट ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, टू ए हो जाएगा. यहाँ पे आईएनटी ओपन करेंगे, वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस थीटा एंड यहाँ से आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा. कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज अ वन, देन दिस बिकम्स रूट ऑफ टू. टू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज अ वन और वन और वन टू, टू कॉमन ले लेते हैं, यह बन जाएगा वन प्लस कॉस थीटा और इंटू चल रहा है डी थीटा. ओके, देन दिस बिकम्स, बाहर चल रहा था टू ए, ये भी आपके पास ऐसे टू रूट ए, ये मैंने इधर लिख दिया, इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ, जीरो टू पाई और जो कांस्टेंट टर्म है टू रूट टू ए एंड दिस बिकम्स वन प्लस कॉस थीटा इज टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू इंटू डी थीटा. रूट टू फिर से आप बाहर लेके आएंगे, ये बन जाएगा फोर ए जीरो टू पाई रूट से स्क्वायर कैंसिल कॉस थीटा बाय टू, है ना. फोर ए कॉस का इंटीग्रेशन कीजिए, साइन थीटा बाय टू डिवाइड बाय वन बाय टू, थीटा का डेरिवेटिव जो है वो वन बाय टू, लिमिट अप्लाई करेंगे जीरो टू पाई. ओके, यहाँ पे अगर आप पाई पुट कर रहे हो तो साइन पाई बाय टू इज अ वन. ओके, सो ये आ जाएगा टू जो मल्टीप्लाई हो जाएगा एट ए इंटू वन माइनस जीरो मीन्स एट ए. इसका जो आर्क लेंथ आएगी दिस इज एट ए. बाकी के दो साइक्लॉइड रहते हैं इनके भी आर्क लेंथ फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, है ना. फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक्सरसाइज 9.2 में, फाइंड द लेंथ ऑफ दिस साइक्लॉइड गिवन बाय दिस
कंप्लीट साइक्लॉइड. कंप्लीट साइक्लॉइड का मतलब क्या होता है कि पूरा एक रिवॉल्यूशन. जैसे कि अगर मैं यहाँ से लेती हूँ, ये इसका हाफ आर्क हो जाता है. अगर मैं इसको यहाँ तक ले जाती हूँ, ये कंप्लीट आर्क हो जाती है. तो मुझे इस एक कंप्लीट साइक्लॉइड की जो वो आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है. अगर यहाँ पे ये ट्रेस कैसे करना है वो देखिए. दोनों ही क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि मैं इसका कंपैरिजन भी करवा पाऊँगी कि आपको किस तरह से यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन सा ट्रेसिंग ऑफ कर्व जो कैसे बनेगी. सबसे पहले मैं दो पॉइंट में डायरेक्ट बता रही हूँ. सिमेट्रिकल अबाउट किसके बनेगा, एक्स इज अ ऑड फंक्शन, वाई इज अ इवन फंक्शन. सो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सेस, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सेस. ओके, सेकेंड पॉइंट हम क्या चेक करते हैं कि ओरिजिन से पास करता है कि नहीं करता. ओरिजिन से पास करने के लिए थीटा को जीरो पुट किया, मुझे एक्स की वैल्यू जीरो मिल रही है. थीटा को यहाँ पे जीरो पुट किया, मुझे वाई की वैल्यू भी जीरो मिल रही है. इसका मतलब कर्व पासिस थ्रू ओरिजिन. ठीक है, इसके बाद आप टेबल बना लीजिए. क्योंकि ओरिजिन से पास कर रहा है इसलिए मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यूज लेके चलती हूँ. थीटा इज इक्वल टू जीरो पाई बाय टू पाई. इसके बाद वैल्यू क्यों नहीं दिए अभी बताते हैं हम. ये एक्स की वैल्यू निकाली है, एक्स को जीरो रखा है, सॉरी थीटा को जीरो रखा है, एक्स जीरो आ रहा है. थीटा को अगर आप पाई बाय टू रख रहे हो तो ए इंटू पाई बाय टू प्लस वन आ रहा है. यहाँ पे अगर आप थीटा को वाई की, चलो बाद में निकालेंगे, पाई रखते हैं यहाँ पे. सो दिस इज ए पाई. वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं. वाई इज थीटा जीरो पे, वाई भी जीरो. थीटा पाई बाय टू पे, कॉस पाई बाय टू जीरो, वाई ए. और थीटा जब मैं पाई पुट करती हूँ, दिस इज टू ए. ओके, अब मुझे यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स भी चाहिए क्योंकि मैं इन पॉइंट्स पे टेंजेंट फाइंड आउट कर सकती हूँ और वहाँ से मुझे पता चलेगा कि ये कर्व आर्क जो जाएगी कर्व की वो कैसे मूव कर रही है. टेंजेंट सिर्फ इसलिए निकालते हैं. ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे. ये आएगा टेंजेंट थीटा बाय टू. इसको निकाल के देख लेना. मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालती हूँ अलग अलग पॉइंट पे. थीटा अगर मैं ज़ीरो लेती हूँ सो डी वाई बाई डी एक्स भी ज़ीरो. थीटा अगर मैंने लिया पाई बाय टू, डी वाई बाई डी एक्स वन. और थीटा अगर मैंने लिया पाई तो टेंजेंट पाई बाय टू इन्फिनिटी. ओके, अब इसको ट्रेस करते हैं भाई. अब यहाँ से आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, जब थीटा ज़ीरो, थीटा ज़ीरो कहाँ होता है, ओरिजिन पे. एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू जीरो, इसी पॉइंट पे आएंगी. ओरिजिन पे एक्स हमारा जीरो, वाई भी जीरो है. इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या कहता है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो आ रही है. इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि टेंजेंट जो है एट जीरो जीरो पॉइंट पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस है. ऑलराइट, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है हमारी. ठीक है, दिस इज ए पॉइंट और ये हमने टू ए ले लिया. यहाँ पे थीटा जीरो, यहाँ पे थीटा पाई बाय टू, और यहाँ पे थीटा ले लेती हूँ पाई. इसके बाद मैंने क्यों नहीं बनाई टेबल, थ्री पाई बाय टू या टू पाई पे क्यों नहीं बनाई, अभी बताते हैं. जैसे ही मैं इस पॉइंट पे चेक कर रही हूँ, एट एक्स जीरो वाई जीरो पे मुझे टेंजेंट मिला पैरेलल टू एक्स एक्सिस. इसका मतलब एक्स एक्सिस टेंजेंट का काम करेगी कर्व के लिए. इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये टेंजेंट बन रहा है तो इसकी ब्रांच इसको टच करके निकलेगी, है ना. इसके बाद चलते हैं, थीटा पाई बाय टू ये आ रहा है. इस पे मेरे पास एक्स की वैल्यू है ए इंटू पाई बाय टू प्लस थीटा, और वाई है मेरे पास ए, वाई इज ए. सो अगर मैं थीटा की ये वैल्यू लेती हूँ तो टेंजेंट मेरे पास वन आ रहा है. यहाँ पे ये टेंजेंट डिस्कस करने की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ आप जीरो और इन्फिनिटी डिस्कस कर लेते हैं, ये भी बहुत है. यहाँ पे इसके बाद आप ये पाई वाला देखिए, थीटा पाई है यहाँ पे. इस पे मुझे एक्स की वैल्यू मिल रही है ए पाई, वाई है टू ए. ओके, तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, ये पॉइंट जो है कुछ यहाँ पे मीट करेगा. इस पे मुझे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है, एट दिस पॉइंट डी वाई बाई डी एक्स है इन्फिनिटी. इसका मतलब एट दिस पॉइंट टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी कि ये जो टेंजेंट, ये जो लाइन जाएगी ये टेंजेंट का काम करेगी कर्व के लिए. अगर ये टेंजेंट का काम कर रही है सो कर्व कुछ इस तरह से आगे इसे मीट करेगा, ये हमारा साइक्लॉइड बनेगा. क्लियर दिस पॉइंट. ओके, ये जो पॉइंट हमने यहाँ पे निकाला है, इसके बाद इसकी ब्रांचेज जो है इस तरह से फिर से स्टार्ट हो जाएंगी. मुझे क्या चाहिए था,
कंप्लीट साइक्लॉयड की लेंथ मुझे यहाँ पे निकालनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास हाफ आर्क आई है, हाफ मुझे और बनाना है। हमने क्या कहा था, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, इसका मतलब जितनी वाई एक्सिस के राइट में है उतना ही लेफ्ट में बन रहा है। सो एज इट इज आप इसको इधर भी बनाएंगे, ठीक है। सो जो ये पॉइंट थीटा इक्वल टू इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस फाइव बाई टू, यहाँ पे थीटा सेम, इसकी जो लेंथ लेनी है आपको थीटा जो है वो माइनस फाइव। सो ये पॉइंट जो मीट करेगा यहाँ पे, इसको थोड़ा सा ठीक बना लेना, ये बनेगा आपके पास साइक्लॉइड, ओके। इसके बाद फिर से ऐसे स्टार्ट हो जाएगा और फिर ऐसे बनता रहेगा, इधर से ये जो इसकी बनती रहेगी बाकी की आर्क्स। मुझे क्या चाहिए था, कंप्लीट आर्क लेंथ चाहिए थी मुझे। सो मुझे यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे जो आएगा दिस इज द एट 2A0 पॉइंट पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस के, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखिए थीटा जीरो, यहाँ पे थीटा कितना है पाई। अगर मैं इसकी लेंथ निकालती हूँ, रिक्वायर्ड आर्क लेंथ, आर्क लेंथ का क्या मतलब है कि जो इसने कंप्लीट एक की पूछे गए ना, एक वन आर्क की इज इक्वल टू टू टाइम जीरो टू, थीटा की वैल्यू यहाँ पे जीरो और यहाँ पे टू टाइम क्यों किया, क्योंकि मैं ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल रही हूँ, इसके सिमिलर इमेज इसकी इधर है। सो यहाँ पे टू टाइम करेंगे हम, थीटा जीरो टू पाई डी एक्स बाय डी थीटा स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी थीटा स्क्वायर और रूट इंटू डी थीटा। वैल्यूज निकालिए यहाँ से डेरिवेटिव करके, इंटीग्रेशन कीजिए इसके आर्क लेंथ। अब हम डिस्कस करते हैं एक्स इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, वाई इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा। सबसे पहला पॉइंट देखिए, सिमेट्रिकल अबाउट किसके आ रहा है। अगर मैं थीटा को माइनस थीटा में चेंज करती हूँ, यानी मैं चेक करती हूँ कि एक्स हमारा इवन फंक्शन है या ओड फंक्शन है, तो आप माइनस थीटा में चेंज करेंगे, है ना। यहाँ पे माइनस थीटा पुट करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे, फिर से हमारे पास यही आ जाएगा, यानी कि एक्स ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स ऑफ थीटा, ये आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स इज ऑड फंक्शन, है ना। वाई, y इज एन इवन फंक्शन, y इज इवन फंक्शन, सो कर्व सिमेट्रिकल अबाउट किसके बनेगा, y एक्सिस के। सेकेंड पॉइंट क्या, कर्व ओरिजिन से पास कर रहे हैं, थीटा को जीरो लीजिए, यहाँ पे मैंने जीरो पुट किया, x जीरो आ रहा है, यहाँ पे जीरो पुट करेंगे y a आ रहा है। इसका मतलब कर्व जो हो ओरिजिन से पास, cos जीरो इज अ वन टू a, ये आएगा 2a, तो कर्व ओरिजिन से पास नहीं करेगा, डज नॉट पास थ्रो ओरिजन, ठीक है। इसके बाद इसमें भी टेबल ले लेते हैं और फिगर कैसे जाएगा वो भी चेक करते हैं। थीटा इज इक्वल टू जीरो पाई बाय टू पाई, पहले मैं इसी पे वैल्यू निकाल रही हूँ, ठीक है। इसके लिए डीवाई बाई डी एक्स भी मुझे चाहिएगा, सो मैं इसके लिए भी डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू रखती हूँ, ये मैं रफ कर रही हूँ यहाँ से। माइनस कॉट थीटा बाय टू आएगी, आप इसका डेरिवेटिव जो करके देख लेना, डी वाई बाय डी एक्स आएगा माइनस कॉट थीटा बाय टू। इसकी जो वैल्यूज आगे भी निकलेंगी, बट मैं अभी बताती हूँ कि आगे हमने क्यों निकालनी है। जैसे हमें यहाँ पे पता चल गया था ना कि इसके आगे अगर निकालेंगे तो सेकंड रिवोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सो मुझे क्या करना था, इसी आर्क लेंथ को कंप्लीट करना था, इसलिए इसकी वैल्यूज हम आगे नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसकी जो बाकी की आर्क आएगी वो सेम इमेज इधर बनेगी, ओके। सो यहाँ पे अगर हम देखें थीटा की जीरो वैल्यू पे एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो। थीटा की पाई बाय टू वैल्यू पे ए इंटू पाई बाय टू माइनस वन, थीटा पाई पे ए पाई। वाई की वैल्यू निकालिए, वाई जीरो पे लेंगे टू ए, दिस इज टू ए, और जब पाई बाय टू पुट कर रहे हैं कॉस पाई बाय टू जीरो, ये a आ जाएगा, और जब मैं पाई पुट करती हूँ cos पाई इज माइनस वन, ये जीरो आ जाएगा। इसके बाद dy बाई dx की वैल्यू निकाल लीजिए, dy बाई dx से माइनस cot थीटा बाई टू, ठीक है। dy बाई dx एट थीटा इक्वल टू जीरो पे इन्फिनिटी, पाई पाई बाई टू रखिए, cot पाई बाई फोर इज, ये माइनस है पहले से ही, माइनस वन आ जाएगा, और जब मैं पाई पुट करती हूँ तो cot पाई बाई टू, ठीक है,
दिस इज ज़ीरो. सो यहाँ से अभी मैं ट्रेस करना स्टार्ट कर रही हूँ और हमें देखना है कि आगे टेबल बनानी है या नहीं बनानी. ये हमारा ओरिजिन हो जाता है. ओके, थीटा इक्वल टू यहाँ पे ज़ीरो, एक्स ज़ीरो, और पॉइंट क्या आ रहा है हमारे पास, वाई टू ए, दिस एंड दिस. ये पॉइंट में टू ए ले लेती हूँ. ये पॉइंट आ गया टू ए ज़ीरो, टू ए ज़ीरो नहीं, ज़ीरो टू ए, सॉरी ज़ीरो टू ए, क्योंकि ये वाई की वैल्यू है ना. सो इस पॉइंट पे, जीरो टू ए पॉइंट पे मुझे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल रही है इन्फिनिटी. इसका मतलब इस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट मिल रहा है कर्व पे पैरेलल टू वाई एक्सिस, और इस पॉइंट पे ही, और ये पॉइंट कहाँ है, वाई एक्सिस पे. इसका मतलब वाई एक्सिस टेंजेंट का काम करेगी किसके लिए, कर्व के लिए. ओके, सो यहाँ से हमारा टेंजेंट की ब्रांच स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि इसको टच करके निकल रही है. ऑलराइट, इसके बाद चलते हैं. थीटा हमने यहाँ पे लिया, थीटा यहाँ पे ज़ीरो, ज़ीरो यहाँ पे पाई बाय टू पाई. आगे देखते हैं क्या आता है. यहाँ से कर्व की ब्रांच स्टार्ट होती है. थीटा अगर मैं ज़ीरो यहाँ पे पाई ले रही हूँ, एक्स की वैल्यू आ रही है ए पाई, वाई की कितनी आ रही है, ज़ीरो आ रही है. इसका क्या मतलब हुआ, और डी वाई बाय डी एक्स ज़ीरो, ए पाई और ज़ीरो, ये पॉइंट मेरा यहाँ पे आएगा क्योंकि इसको भी मैं ए से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इसको भी मैं ए से मल्टीप्लाई कर रही हूँ. वन टू थ्री, ये वन ये टू, इसको ए से मल्टीप्लाई किया तो वाई की वैल्यूज आ रही हैं, इसको मैं ए से मल्टीप्लाई करती तो मुझे एक्स की वैल्यूज मिल रही है. ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे ही मैं थीटा को पाई ले रही हूँ, इस पे एक्स की वैल्यू ए पाई और वाई की वैल्यू ज़ीरो, यानी कि इस पॉइंट पे ये पॉइंट आएगा ए पाई ज़ीरो, और इस पे टेंजेंट क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस. इसका मतलब इस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट मिल गया किसके रूप में, एक्स एक्सिस की. इसका मतलब एक्स एक्सिस इस पॉइंट पे जो है वो टेंजेंट का काम कर रही है. दैट मीन्स कर्व जो है इसको इस टाइप से मीट करके निकलेगा, क्योंकि टेंजेंट जहाँ पे बनता है वो कर्व उसको मीट करता है. इसको हम मीट कर लेते हैं, यहाँ पे इसको मिलाएंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा. ओके, अब आगे की वैल्यूज हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, कौन सी, थ्री पाई बाय टू या वगैरह वगैरह, आगे की जितने वैल्यूज निकालते हैं. अब आप यहाँ से देखेंगे तो आपको सिर्फ हाफ आर्क मिली है. यहाँ से मुझे कंप्लीट आर्क लेनी है तो मुझे इसके बाद की भी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, इसलिए इस क्वेश्चन में हमें आगे वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी क्योंकि कंप्लीट आर्क यहाँ पे नहीं बनता है. ओके, थ्री पाई बाय टू और टू पाई पे और निकाल लेते हैं. ओके, जैसे आप यहाँ पे थ्री पाई बाय टू पुट कर रहे हो, ए इंटू थ्री पाई बाय टू माइनस और माइनस प्लस वन. ओके, और टू पाई पुट कर रहे हो, सो टू पाई पे ज़ीरो हो जाएगा, टू ए पाई. वाई एक्सिस की निकाल लीजिए, थ्री पाई बाय टू इज ज़ीरो, ये आ जाएगा ए, और टू पाई पुट करोगे तो यहाँ पे भी क्या बन रहा है, कॉस टू पाई इज वन टू ए, ये वैल्यूज बनेंगी. डी वाई बाई डी एक्स भी निकाल सकते हो, थ्री पाई बाय टू रख रहे हो, थ्री पाई बाय फोर इज अ वन आ जाएगा, और टू पाई पे टू से टू कैंसिल, कॉस पाई डिवाइड बाय दिस इज इन्फिनिटी. ठीक है, तो इस पॉइंट पे अभी आप ये पॉइंट देख सकते हो, ये पॉइंट ले लिया मैंने थ्री पाई बाय टू, ये पॉइंट ले लेते हैं टू पाई. ये पॉइंट जहाँ पे वाई कितना है, टू ए, एक्स कितना है, टू ए पाई. तो इसको मैंने ए से मल्टीप्लाई किया तो एक्स की वैल्यूज आ गई और वाई हमारा कुछ यहाँ पे. इस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट मिल रहा है पैरेलल टू वाई एक्सिस क्योंकि इस पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है इन्फिनिटी. इसका मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस टेंजेंट, इसका मतलब हमारे पास ये टेंजेंट हो गया और ये कर्व जो है इसको मीट करता हुआ इस तरह से जाएगा. एंड इसका बेस क्या बन रहा है, साइक्लॉइड का. अगर आप इसको मीट करते हो, दिस इज इट्स बेस. ठीक है, इसके बाद फिर से यहाँ से इसकी ब्रांच स्टार्ट हो जाएगी और इधर से यहाँ से ब्रांच स्टार्ट हो जाएगी. तो इसके आपको आर्क लेंथ निकालनी है. ये यहाँ पे गोल में, गोलाई में रहेगा क्योंकि टेंजेंट का काम कर रहा है. थोड़ा सा फिगर जो है वो सही बना लेना. एट दिस पॉइंट एक्स एक्सिस क्योंकि टेंजेंट है तो इसको इस तरह से मीट करता हुआ निकलेगा. अब आपको इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है. यहाँ पे थीटा कितना आ रहा है हमारे पास, थीटा ज़ीरो, एंड यहाँ पे थीटा टू पाई. सो हमें इसको डबल करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये ओरिजिन के पूरा का पूरी आर्क मेरी ओरिजिन के राइट साइड पे जा रही है. ठीक है, तो यहाँ से आप निकालेंगे रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ साइक्लॉयड
इज इक्वल टू 0 टू 2 पाई अंडर द रूट ऑफ dx बाय d थीटा स्क्वायर प्लस dy बाय d थीटा स्क्वायर इंटू d थीटा। ये है इसका जो हो फॉर्मूला आर्क लेंथ फाइंड आउट करने का। इसमें लिमिट आप लगाओगे 0 से 2 पाई, बट इसके अंदर हम डबल करके और 0 से पाई यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ओके तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे 9.2 एक्सरसाइज के। बाकी आप क्वेश्चन इजीली ट्राई कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है और कुछ एग्जांपल से मिलते जुलते हैं, वो एग्जांपल मैं करवा चुकी हूँ, तो आप इजीली एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हो। तो इसको ट्राई कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।